आइए। नमस्ते क्या सुनना है आपका? संजीत सर। संजीत में में कहाँ से हैं आप? सर, मैंने यही जयपुर का ही हूँ जयपुर। अच्छा, लॉ आपने कब किया था? सर। 2019 19। अच्छा, उसके बाद कुछ किया आपने इंग्लिश सर। का रहा? उसके बाद कंटिन्यूअसली जुडिशियल प्रिपरेशन करो। आरजेएस के लिए हाँ, और भी जो लॉ के एग्ज़ाम होते हैं। अभी जो रिसेंटली बैच आया उसमें। अच्छा, तब तक तो आपने 19 में किया। अच्छा अच्छा जूनियर लॉ ऑफिसर की जो पोस्ट है यस सर। तो उसकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? तो क्या काम होगा आपको, कुछ पता है इस बारे में? सर, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लॉ से रिलेटेड जो काम होते हैं, वो जैसे कि कानूनी सलाह देना वो सर। कानून चला देगा, केसेस को भी वहाँ कम करना, हाँ, ये इश्यू सब। जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उनको एनालिसिस करना और गवर्नमेंट को एडवाइस देना। तो केसेस को कम करने के लिए आप अपने डिपार्टमेंट पे क्या प्रयास करेंगे? कौन कौन से चैनल पे आप जा सकते हैं? केसेस को कम करने के लिए जो आप भी जिस डिपार्टमेंट पे हैं, जो केसेस आपके पेंडिंग है कोर्ट्स में, उनको कम करने के लिए कौन कौन से तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हैं डिसाइड कराने के लिए? सर, मुझे नहीं पता। नहीं, पता नहीं सर। अब जैसे आपने कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन कर लिया, यस अब सर। वहाँ पता पड़ा कि वहाँ तो फिर 2000 केस है। अब आप कैसे आपको चूंकि वहाँ लगा है और आप उस डिपार्टमेंट में और कोई ऑफिसर नहीं है लो का, आप ही हैं, ओपिनियन वगैरह तो आप देंगे ही करेंगे, लेकिन उन केसेस को कम करने के लिए सजेशन दो। आप क्या कर सकते, क्या क्या कर सकते हो? उन केसेस को कम करोगे, 2000 केसेस हैं तो सर, क्या उनका कर? जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। हाँ तो तो क्या कर सकते उसके सर, लिए कुछ तो मैं पूछ पूछना रहा है। हूँ, क्या लीगल बोर्ड क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? सर अब सॉरी सर, अभी तो तो आप तो ऐसी आईडी नहीं कह सकते कि एक तो एक चीज तो यही होगी कि भी कंटेस्ट करूंगा मैं, ये तो कहोगे आप। जो केस कंटेस्टेबल हो गए उस पर तो कंटेस्ट करोगे आप। तो बाकी और अपने सीपीसी में कौन से मॉड अवेलेबल है उनको तय सर, कराने के लिए? जो कंसीलिएशन आर्बिट्रेशन वो भी एक तरीका है सीपीसी सीपीसी में, में, सेक्शन 89 सीपीसी में में। कोई तरीके है ना हाँ, कि सेक्शन 89 ऑल्टरनेटिव ऑर्डर 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 10 रूल 1A। ऑल्टरनेटिव रिड्रेसल, यस सर, ADR। हाँ उसके हैं। यस, और किसके अलावा क्या है? और एडीआर में भेजोगे आप? हाँ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसमें सर जुडिश, उसमें आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन है, मीडिएशन है, लोक अदालत में भी जा लोक सकते अदालत, हैं। तो जैसे लोक अदालत होती है उसके यस अंदर सर। आप इसको कराओगे, तो डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट का जो है ना आपका, उसके लेवल पे क्या करोगे आप? एक तो कंटेस्ट तो एक अलग चीज़ है, तो अगर केस वैसे अदरवाइज डिसाइड नहीं हो रहा था, आप उसको कंटेस्ट करोगे, रिटन यस सर। स्टेटमेंट फाइल कराओगे, और उसके अलावा जो भी है एविडेंस करा के है, जो भी है उसको कंटेस्ट कराएगा। ये जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट वाला मामला है इसको तय कराने का, उस पर लोक अदालत में कराने के लिए डिपार्टमेंट लेवल पे क्या करोगे आप? सर, जो जो भी अथॉरिटी है उस देखो ये दिमाग में आपके आइडिया हो इसलिए पूछ रहा हूँ। सर, नहीं सर, इतना अच्छा, तो चलो आप जैसे कंटेस्ट करोगे तो रिटन स्टेटमेंट वगैरह फाइल करोगे यस आप, सर। करोगे ना उसमें, तो रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आप इनकॉर्पोरेट करोगे आप? रिटर्न स्टेटमेंट सर, CPC में ऑर्डर ऑर्डर 7 में के अंडर ऑर्डर कैटेगरी सेवन में रिटन स्टेटमेंट 8 में सर, सॉरी एट, 8 में, उसमें सर। जैसे रिटन स्टेटमेंट तैयार कराना है यस आपको, सर। प्लेंट की कॉपी आपके पास आ गई, यस तो आप क्या कराओगे आप जैसे? सर, जब तो अभी मैं आप रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, अच्छा पढ़ा अच्छा दो आता है। और मान लिया आपको खुद ही प्लेंट पे मतलब यस सर। पेश करना है कोर्ट में, हाँ तो फिर क्या करेंगे प्लेंट पे? सर, प्लेंट में जो जो Rule 1 में जो 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 जैसे पार्टी का नाम और जो कॉज ऑफ एक्शन है वो। कॉज ऑफ एक्शन, यस सर, कॉज ऑफ शुरू एक्शन में ही कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा। नहीं तो पूरी फॉर्मेटिंग बतानी है सर। फॉर्मेट ही पूछ रहा हूँ, अच्छा
जैसे आप रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करना है आपको, तो क्या बेसिकली कैसे करेंगे आप तैयार? ये तो बताओ सर, पहले पार्टीज का जो नाम वगैरह होता है, उसके बाद जो फैक्ट्स है वो लिखने पड़े। तो वो कौन कौन से फैक्ट्स आएंगे, कौन सी चीज़ नहीं आएगी? जैसे जूरिडिक्शन में है ये, मतलब फैक्ट्स की बोलो, जूरिडिक्शन तो आपका लीगल वाली बात है। यस सर, कौन सी चीज़ उसमें नहीं आएगी जो आप जिन प्लेट तैयार कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ नहीं आएगी वो पूछ रहा हूँ। आएगी वो तो चलो छोड़ो, आप जो पूरी सारी फैक्चुअल पोजिशन आप लिखी दोगे, लेकिन कौन सी चीज़ नहीं आएगी? सॉरी सर, मुझे नहीं। उसमें आप एविडेंस डाल सकते हो उसमें? नहीं सर, एविडेंस नहीं डाल सकते। तो फिर आपने बताया नहीं कि भाई एविडेंस सर, वो रूल ऑर्डर 6 रूल 2 में कि दे रखा है कि एविडेंस नहीं दे सकते, और जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उन्हीं पे उन्हीं को स्टेट करते हैं। बताया नहीं ना आपने सर। इसके अलावा फिर आपने बताया एक तो कॉज ऑफ एक्शन, जुरिसडिक्शन और टेरिटोरी जुरिसडिक्शन, और सर लिमिटेशन और पार्टीज का एड्रेस वगैरह। अगर आपने लिमिटेशन का नहीं बनाया भाई, जैसे लिमिटेशन का आपने लिखा ही नहीं, यस, तो सर ये इरेगुलरिटी तो नहीं होगी सर? नहीं सर, लिखा ही नहीं आ रहा। क्या कोर्ट उस पर विचार नहीं कर सकती? जैसे होते ना, कोर्ट तो वही देखेगी जो आपने प्लीडिंग में कहा है, प्लीडिंग के बियॉन्ड कोर्ट नहीं जाएगी। अब आपने तो लिमिटेशन का पॉइंट ही नहीं लिखा इस टाइम। यस सर, तो क्या कोर्ट उस चीज़ को इग्नोर करेगी क्योंकि आपने तो प्लीडिंग में लिखी नहीं है बात? सर अगर ये केस की जो मेरिट ऑफ जस्टिस, नहीं लिमिटेशन का पॉइंट, केवल लिमिटेशन अपने लिखा ही नहीं, लिमिटेशन है कि नहीं है? यस सर, अगर केस को अफेक्ट नहीं कर रहा, अफेक्ट नहीं कर रहा, तो ये कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है कि वो देख सकता है। जी तो कोर्ट की ड्यूटी है क्या कि वो लिमिटेशन को पहले इंश्योर करे? यस सर। हाँ तो फिर मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपकी प्लीडिंग में नहीं है तो भी कोर्ट इंश्योर करेगी ये लिमिटेशन में है कि नहीं? सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट है ना, इसमें 3 या 5 है सर? 3 है। 3 है, 5 क्या है? सेक्शन 5 सर बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यस सर, कॉन्डोनेशन नहीं सर, वो तो 4 ठीक, कॉन्डोनेशन ऑफ। तो अब आप सूट फाइल कर रहे हो, अब आप लेट हो गए, आप सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाओ। यस सर, अप्लाई करता है उसका सेक्शन? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर वो सेक्शन। ठीक है, तो आपने देखा प्लेंट में मैं क्या क्या, हम ये क्या क्या इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये सब कर दिया। तो ऑर्डर 2 रूल 2 क्या है सर? ऑर्डर 2 रूल 2 पार्टीज को प्रिवेंट करता है दोबारा उसी क्लेम को करने में। अगर आपके पास पहले आप क्लेम कर सकते थे तो आपने, तो बाद में उनको रोकता है वो, अगर वो नहीं करते हैं तो करना, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे सारे जो रिलीफ है वो एक साथ ही क्लेम कर सकते, एक साथ ही मांग। यस सर, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग इसका पर्पज है, ठीक है, कि रोकना ही मल्टीप्लिसिटी। वैसे भी जितना लिटिगेशन है उसका जो भी होता है उसका पर्पज यही होता है। यस, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, मिटिगेशन ऑफ लिटिगेशन होना चाहिए, यही तो कह रहे हो आप। यस सर, पर्पज मिटिगेशन ऑफ लिटिगेशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बात कर सकते हैं आप? यस सर, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इम्यूनिटीज कुछ लोगों को, कुछ उसको संवैधानिक पदों को इनको मिली हुई है। यस, तो उसके बारे में पढ़ा, इम्यूनिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज है। सर किस कंटेक्स्ट में, मतलब क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनलिटी, किसी भी कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन है। जो विधायक होते हैं, इसके अलावा सांसद होते हैं, प्रिविलेजेस, किसी को प्रिविलेजेस मिले हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई सर, आर्टिकल इनको मिली हुई है, ये पूछ रहे हैं कैसे मिली हुई है सर? एमपीज एमएलएज को फ्रीडम ऑफ स्पीच की, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच की पावर है। कौन से आर्टिकल में सर? आर्टिकल 105 में और आर्टिकल 194 में एमएलएज को, और 105 में एमपीज को। तो उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या उस पे कोई? नहीं सर, एब्सोल्यूट है वो सर, वो एब्सोल्यूट। हाँ लेकिन सर रिसेंटली अभी शायद आज ही
सुप्रीम कोर्ट का कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें उन्होंने ये स्टेट किया था कि जो अगर रिश्वत लेते हैं, अगर कोई एमपी एमएलए फ्रीडम स्पीच के लिए पार्लियामेंट में स्पीच के लिए, तो वो उनके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है। हाँ, उसमें ये है कि आप रिश्वत लेके, क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन तो पूछने का आपका राइट है ही, मगर उसमें सिर्फ इतना सही है कोई क्वेश्चन आपने रिश्वत लेके पूछा है, यही तो है शायद। बट सर 105 में शैल वर्ड यूज किया है उसमें, तो एब्सोल्यूट ही कहते हैं, लेकिन सर कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पे हो तो। अब एक जिससे ना फंडामेंटल राइट है, यस, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यस, तो राइट टू प्रॉपर्टी भी एक, यस सर, वो किस तरह का राइट है वो? सर वो एक लीगल राइट है। हाँ, तो अब लीगल राइट की कहाँ तक है, क्या लीगल राइट को एनफोर्स कैसे कराएंगे, मतलब किस तरीके से लीगल राइट क्या है आपका, वो जब कोई प्रॉपर्टी का तो आपका लीगल राइट है, यस सर, लीगल राइट का कहाँ तक एक्सटेंड है, मतलब फंडामेंटल राइट को तो आप कोर्ट से वो कराते हो ना, यस सर, एनफोर्स कर, तो क्या ये लीगल राइट है, इसका मतलब क्या है, कोई ये प्रॉपर्टी है और मेरे को मेरे वो राइट टू लीगल राइट है मेरे को प्रॉपर्टी रखने का, ये कहाँ तक है, कहाँ तक सीमित है, कितना है, किस तरह का है सर ये? सर ये आर्टिकल 300A में पहले ये फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन शायद सर 44th अमेंडमेंट में इसे लीगल राइट का दर्जा। आप जैसे आपकी भी प्रॉपर्टी है, यस सर, आपको लीगल राइट है, यस सर, अब गवर्नमेंट ने, यस सर, इसके लिए सिविल सूट फाइल हो सकती है? नहीं, इसके लिए आप राइट टू प्रॉपर्टी है। हाँ सर, वो लीगल राइट है तो उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो फिर वो सिविल सूट फाइल कर सकता है। अच्छा, जो अपने सीआरपीसी में ट्रायल वगैरह के बारे में जो अपने ना डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स अलग अलग कोर्ट्स में होती है, यस, है ना, अलग अलग कोर्ट्स में होती है, तो आप मुझे बताएंगे सेशन जज जो है ना, सेशन जज, यस, वो क्या कॉग्निजेंस ले सकते हैं क्या किसी भी केस में? नहीं सर, तो सर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं सर, लेकिन कॉग्निजेंस की पावर जनरली मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, लेकिन सेक्शन 199 में कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी है कि वो कॉग्निजेंस ले सकती है, बाकी में नहीं ले सकते सर? एक और है सर, वो याद नहीं आ रहा सर, दो नहीं, है किसी भी ऑफेंस में नहीं ले सकते क्या, बाकी सेशन ट्राइबल केस है, यस सर, उसमें वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते सर? जनरली रूल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, मतलब लीगल प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं, यस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जनरली, तो क्या सेशन जज कॉग्निजेंस नहीं ले सकते क्या? नहीं सर, ले सकता, कैसे लेंगे वो, कैसे सेशन जज कैसे कॉग्निजेंस लेगा और मैग्नीट्यूड कैसे लेगा, ये अंतर पूछ रहा था, अंतर कॉग्निजेंस तो लेगा ना सेशन जज, यस, तो मजिस्ट्रेट कैसे लेगा कॉग्निजेंस और सेशन जज कैसे लेगा? हाँ सर, और कौन सा प्रोविजन है, मतलब ये जानना चाह रहा सर, सेक्शन 190 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, ओके, हाँ, वो तीन बेसिस पे लेता है, एक कंप्लेंट के बेस पे, एक खुद की इंफॉर्मेशन के बेस पे, और एक पुलिस रिपोर्ट के, और सर कॉग्निजेंस का मतलब ये है कि वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि ये केस प्राइमा फेसा केस है कि नहीं, बन रहा जुडिशियल माइंड अप्लाई, यस सर, और उसके बाद इंक्वायरी प्रोसीडिंग या उसके बाद ट्रायल, और सर कोर्ट ऑफ सेशन जनरली नहीं लेता, लेकिन एक वन सेक्शन 199 में वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन 193 का 193, लेकिन मेरी बात सुनिए, मजिस्ट्रेट सेशन जज के पास केस कहाँ से आएगा? सॉरी सर, 193 सेक्शन है, 193 सेक्शन है सर, सेशन जज जो है वो कॉग्निजेंस से बार्ड है क्या, मतलब सेशन जज? नो सर, सेशन जज इज नॉट बार्ड बाय बार्ड to take cognizance, मतलब हर केस में कॉग्निजेंस सेशन जज ले सकता है? नहीं सर, तो मैं यही पूछता हूँ कब लेगा, ये कह रहा हूँ मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है, 302 का ऑफेंस है, अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा सर? वो कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, कमिट करेगा ना, तो फिर सेशन जज क्या करेगा वो सर? जब कमिट करके केस उसके पास आएगा, यस सर, तो फिर सेशन जज क्या करेगा सर? सेशन जज खुद भी ट्राई कर सकता है,
कॉग्निजेंस लेके करें, कॉग्निजेंस लेके या फिर वो कैसे करेगा। तो मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ, आपके जो सेशन चीफ को तो पावर ही नहीं है, पावर नहीं है एक्चुअली। मजिस्ट्रेट की जो कॉग्निजेंस की पावर है, सेशन जज की कॉग्निजेंस की पावर में अंतर है। सेशन जज उसी केस का कॉग्निजेंस लेगा जब तक कि उसको केस कमिट करके नहीं आएगा। इस नन्यान में आप बता रहे हैं ना, इस नन्यान में वो डेफेमेशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर के अगेंस्ट में बता रहे थे ना, यही बोल रहे थे 199 उसमें डायरेक्टली कॉग्निजेंस उसमें डायरेक्टली वही कंप्लेंट केस कंप्लेंट पेश पे हाँ। और सर कमिट टू सेक्शन जो मजिस्ट्रेट 209 में करता है। अब आपने देखा कि जो कॉग्निजेंस तो है कि जुडिशियल नोटिस, यस सर तो कंप्लेंट पेश हुई मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट ने 156 में उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। तो वेदर इट अमाउंट्स टू टेकिंग कॉग्निजेंस, नहीं सर ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज में आएगा सर, अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया इन्होंने, क्योंकि उन्होंने सर ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। और वेदर मजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड टू सेंड, नो सर इन्वेस्टिगेशन इट इज अप टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट कि वो भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता। नहीं भेजे तो क्या करेंगे सर, वो उसके ऊपर है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है कि नहीं ले सकता। नहीं कोर्ट में ही तो वॉट मोड्स अवेलेबल टू मजिस्ट्रेट, कंप्लेंट तो पेश होगी कोर्ट में, अब कौन कौन से मोड अवेलेबल है उनके पास सर? वो कॉग्निजेंस लेके इश्यू ऑफ प्रोसेस वाला एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर वो 156 में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है, यही है सर, या फिर इंक्वायरी जो 200 वाली जो इंक्वायरी है। हाँ ये तो कंप्लेंट पे वो लेंगे बयान लेंगे, यस सर। तो और दूसरा आप बता रहे हो कि वो 156 भेजेंगे, यस। तीसरा क्या है? सर यही पता है सर, अभी याद नहीं आ रहा सर। तीसरा भी तो होगा, हाँ, तीसरा मोड क्या है? सॉरी सर अभी तो रिकॉल, यानी उसको ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को कि 156 में मुझे नहीं भेजना चाहिए, यस सर, और उसको ऐसा भी नहीं लगता कि मुझे इसके बयान लेने चाहिए। तो व्हाट कोर्ट्स अवेलेबल टू हिम, अब क्या करेगा सर? वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। नहीं कर दिया ना उन्होंने, कभी उसके लायक भी नहीं समझ रहा होगा, यस। तो सर इश्यू ऑफ प्रोसेस में जा सकता है सीधा, तो प्रोसेस में तभी तो जाएगा, उसमें 202 में, यस सर, 204 भी जाएगा वो, तो वो तो नहीं जा रहा ना वहाँ पे सर। एक ये भी हो सकता है कि वो कंप्लेंट को अगर वो नहीं मान रहा प्राइम अफेयर तो वो डिसमिस कर सकता है 203 समरली डिसमिस करेगा, यस सर, अगर वो सेक्शन 2D में कंप्लेंट नहीं है तो, यस सर। सेक्शन 2D में कंप्लेंट कब होगी सर? कब कहोगे आप ये कंप्लेंट है सर? अगर पुलिस रिपोर्ट के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगे कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 2D में उसे आप कंप्लेंट किसी भी कोई भी कागज पे लिखी हुई कोई चीज आ जाए या कैसे भी आ जाए, यस सर, तो उसको कंप्लेंट कब मानोगे आप? उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है कि हम इसको कंप्लेंट कह रहे हैं सेक्शन 2D में? ये सर पहले तो रिटर्न होनी चाहिए, रिटर्न होनी नहीं, हाँ ओरल और रिटर्न दोनों हो सकती है, दोनों, यस सर, दोनों होनी चाहिए या कोई सी भी हो सकती है? दो कोई सी भी हो सकती है सर, ओरल भी, ओरल भी हो सकती है। अच्छा ठीक है, फिर आगे सर वो जो जिसने कंप्लेंट फाइल की वो नॉन और अननोन दोनों हो सकता है, कोई जिसने कंप्लेंट फाइल की वो नॉन और अननोन हो, हाँ नॉन होना जरूरी नहीं है सर। नहीं कंप्लेंट फाइल होना, जो कंप्लेंट फाइल करो तो नॉन होना जरूरी है उसका? नहीं सर उसका वो विक्टिम होना जरूरी नहीं है। चलो ठीक संजीत जी, सॉरी सर एलबी कंप्लीट कब हुई हमारी सर? 2019 सर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से, दिल्ली से, यस। और रहने वाले जयपुर के हैं आप? सर मैं यहीं का हूँ। दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये किसने बनाया सर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था सर। कब, कौन सी ईस्वी में सर? जितना मैं याद कर पा रहा हूँ सर 13वीं शताब्दी में बनाया था।
सर मैं गलत भी हो सकता हूँ सर, श्योर नहीं। लाल किला, दिल्ली वाला लाल किला वो शाहजहां ने बनाया। और आगरा वाला? आगरा वाला शायद अकबर ने बनाया था, अकबर ने बनाया था। चलिए अच्छा ये बताइए आप, रेस्ट जूडी केटा और रेस्ट सब जूडीस में क्या डिफरेंस है? सर रेस्ट सब जूडीस तो सिर्फ ट्रायल से रिलेटेड है और रेस्ट सर एक सेकेंड, रेस्ट सब जूडीस सेक्शन 10 के अंतर्गत आता है और सेक्शन 11 सीपीसी में रेस्ट जूडी काटा है। सर दोनों का पर्पज यही है कि प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, लेकिन सर रेस्ट सब जूडिस इश्यूज सिर्फ एक पर्टिकुलर इशू पर नहीं लगता, लेकिन रेस्ट सब जूडी एक पर्टिकुलर इशू पर भी लग सकता है। और सर ये ट्रायल को किसी कंटिन्यूस ट्रायल को रोकता है रेस्ट सब जूडिस, लेकिन सर ये रेस्ट सेक्शन 11 रेस्ट सब जूडी काटा कोर्ट को बार करता है, इनकॉम्पिटेंट बनाता है, जिस पे पहले डिसाइड हो चुका है मैटर उसको ट्रायल करने से, उसको उसके ऊपर प्रोसीडिंग करने से। इंटरप्लीडर सूट सर, इंटरप्लीडर सूट सेक्शन 88 में सीपीसी में सर, सर जब एक पार्टी को लगता है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन दो अलग पार्टीज का इंटरेस्ट है उसमें, तो वो इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकता है ताकि, और वो ये क्लेम नहीं करता कि मेरा वो खुद का अपना कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करता, तो उनको जिनका इंटरेस्ट है उनको क्लब करके इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकता है। सर दोनों ऑर्डर 8 सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6 से रिलेटेड है और काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 रूल 6A2-6 होता क्या है सर? काउंट सेट ऑफ में सर एक ही जब सूट इंस्टीट्यूट होती है तो उसी के अंदर सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, पढ़ा हुआ है सर पर याद नहीं आ रहा। कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सॉरी सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफरेंस है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन सर, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक सुप्रीम पीस ऑफ लेजिस्लेशन होता है किसी भी कंट्री का नहीं किसी भी संस्था का जो भी, और सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सर सॉरी सर मुझे नहीं ये तो कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर है ये सर, ये टर्म को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ सर, वैसे तो पता है सर पर चलिए एक इंटरप्रिटेशन होता है, एक स्टैट्यूट्स होता है यस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सर, जो स्टैट्यूट की जो लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करती है कोर्ट। कोई भी आ रहे लिटरल ग्रामेटिकल रूल है या मिस्टिक रूल है सर, लिटरल रूल में जो एक्ट की लैंग्वेज है उसको एज इट इज पढ़ा जाता है, और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन भी होती है जिसमें देखा जाता है कि इससे पहले कौन सा एक्ट था और उसकी क्या डिफॉल्ट थी, और फिर क्या वो जो डिफॉल्ट है उसको ये फुलफिल करता है कि नहीं करता।
बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन रूल एक सॉरी सर बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन रूल यस सर क्या होता है सॉरी सर अभी रिकॉल रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव लॉज सर जो लो इनेक्टमेंट से इनेक्टमेंट होने के बाद पहले से भी लागू हो सके वो रेट्रोस्पेक्टिव है जिनका सर पहले के केसेस पे भी हो और प्रोस्पेक्टिव जो आगे आने वाले केस होंगे उनके ऊपर लागू किया जाता है किन किन ये लागू होता है विशेष कोई ऐसे है लॉज की को रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जा सकता है किसी कारण हो सर जनरली क्रिमिनल लॉ को प्रोस्पेक्टिव ही लगाते हैं और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगाते सर कब लगाते हैं सर सॉरी सर अभी नहीं पता हिडन रूल कुछ याद है सर जो अभी मैंने बोला था हिडन रूल जो चार पर देखते हैं कि क्यों पहले के इनसे पहले कौन सा केस वाज तेरा हिडन केस कोई हो सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस केस था सर शायद इसमें श्योर नहीं एग्जामिनेशन यस इनका क्रम है क्या क्रम सीक्वेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सेकंड क्या होता है सर अलग अलग ट्रायल में अलग अलग सीक्वेंस होता है जैसे पहले प्रोसिक्यूशन है प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रेजेंट करता है उसके बाद मेन एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन डिग्री सर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट इन विच मैटर इज हियर्ड एंड कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाता है राइट्स ऑफ पार्टीज को तो वही डिग्री होता है टू टू सब क्लॉज टू में सीपीसी में इसकी डेफिनेशन दे रखी है और सर इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट्स वो भी डीम्ड डिग्री माना जाता है उनको टाइप्स ऑफ डिग्री सर प्रिलिमिनरी डिग्री फाइनल डिग्री पार्शली प्रिलिमिनरी डिग्री पार्शली फाइनल डिग्री सर प्रिलिमिनरी डिग्री में जो को प्रोसीडिंग के दौरान अगर पार्टीज के कुछ राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लिया जाता है तो वो प्रिलिमिनरी डिग्री होती है और कंप्लीटली कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ सूट वो पार्श वो फाइनल डिग्री हो जाती है एनएलयू दिल्ली से आपने लॉ किया 2019 यस सर उसके बाद क्या रहा सर उसके बाद प्रिपरेशन किए नहीं सर आपकी क्या हॉबी है सर मैं के अलावा क्या करते हैं क्रिकेट खेलता हूँ हॉबी है हॉबी के तौर पर क्रिकेट खेलते हैं जब भी सर टाइम मिलता है जब भी टाइम मिलता है तो क्रिकेट में अभी आप कौन से खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते सर रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान तो क्या है उनकी ऐसी स्ट्रेंथ जो आपको लगती है कि अच्छी है सर उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है सर बहुत ही टेक्निकली साउंड प्लेयर है उन्होंने कभी बहुत ज्यादा रन बनाए हैं कौन सा मैच खेला जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर हाँ सर उन्होंने वो वनडे क्रिकेट में सबसे एक ही पारी में सबसे ज़्यादा स्कोर किया था 2014 में 264 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ इस अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था किसने जीता सर अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को हरा के अच्छा सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा तैयार है आपके सर पढ़ाई तो सारे ही है सर अभी नहीं सारे पे मत जाइए जो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे सबसे अच्छा याद है
इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। हम आपकी नॉलेज बहुत गहराई में नहीं जानना चाहते, फिर भी आपको जो ऐसा लगता है कि इस पर बात बहुत कम्फर्टेबल करें। सर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कौन सा पार्ट? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस। चलो फंडामेंटल राइट्स, मुस्लिम्स को कौन कौन से राइट्स एडिशनल मिले हुए? सर ऐसा कोई राइट है कि मुस्लिमों को एडिशनल राइट मिला हुआ? सर इंडिया की लार्जेस्ट माइनॉरिटी है वो, और उन्होंने ये लार्जेस्ट माइनॉरिटी शब्द वगैरह तो आई नहीं है कहीं। नहीं सर, उन्होंने आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 26 में, क्या है ये, आर्टिकल 25 में, 25 26 30 27 क्या है सर? आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिस रिलीजन, प्रोपोगेट रिलीजन। तो ये अभी एक केस है जिसमें बहुत तेज अजान बोलने पर रोक लगा दी, उन्होंने अजान और ये सब चीज़ें नहीं, हाँ आपको फ्रीडम है लेकिन अजान वगैरह ऐसे नहीं कर सकते। सर वो केस मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। तो क्या ये सिर्फ उन्हीं के लिए किया है, मुस्लिम्स के लिए किया या हिंदुओं के लिए भी कुछ ऐसा है उसमें, उस केस में? वैसे केस का नाम याद नहीं, नहीं सर, सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं किया था। हाँ। जो धार्मिक न्यूशंस होता है, चाहे वो कैसा भी न्यूशन, हाँ उसको, उसके ऊपर जोर दिया था, चाहे वो अजान बजे, हाँ घंटा बजा रहा है और अजान बजा रहा है और आपका घर नजदीक है, तो क्या आप उसे रिलीजियस न्यूशंस मानेंगे? सर ये सर अजान जो लाउड स्पीकर में अजान कोई असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, तो वो सर मैं अगर मेरा मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो सर मैं जा सकता हूँ कोर्ट में। सिर्फ अजान को रोक पाने जाएंगे या घंटा बज रहा है, संत बज रहा है, उसको भी रोक पाने जाएंगे? ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए सर, दोनों के लिए। आर्टिकल 21 को केस पता है क्या आपको? मेनका गांधी वर्सेस, क्या है मेनका गांधी का केस? सर उसमें राइट टू गो टू अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल 21 बता दीजिए क्या है आर्टिकल 21। सर सबके पास जीवन जीने का अधिकार है पर्सनल डिग्निटी के साथ, मतलब स्टेट शैल नॉट डिप्राइव राइट एनी पर्सन फ्रॉम पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। यस सर, तो ये क्या है पर्सनल लिबर्टी और लाइफ में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग टर्म है लेकिन एक एक ही है वैसे। पर्सनल लिबर्टी में सर जैसे राइट टू प्राइवेसी भी आ जाता है और कहीं नाम याद होते डाकू था, वो डाकू जब उसकी सजा वगैरह हो गई तो वो अपने घर पे जाके सो जाया करता था। यस सर, तो सो जाया करता था तो पुलिस वाले उसे देखने जाते थे सो रहा है या कहीं भाग कर नहीं गया, नहीं ऐसा तो नहीं रात में डकैती डाल रहा हो, ऐसा कर रहा हो, ग्रुप बना रहा हो, है ना? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही वो गया, ये सब मेरी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ है, ऐसे पुलिस वाले रात को मेरे घर में ताका झांकी नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन। तो ये प्राण वाली गया या देह वाली गया, किस स्वतंत्रता के लिए? सर पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। और प्राण वाली लिबर्टी सर बिना लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के किसी की भी सर किसी को किसी के खिलाफ जैसे पंजाब में तो बहुत ज्यादा मिला है, इसकी वजह से बहुत सारा कैंसर हो रहा है लोगों। तो कौन से फंडामेंटल राइट के लिए लोग जा सकते हैं? तो कौन से फंडामेंटल राइट के लिए कोई आदमी अपनी पिटीशन ला सकता है? सर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का है, राइट टू लाइफ।
उसमें केस ध्यान है क्या ओलंगा टैलिस? हाँ सर पढ़ा तो। ओलंगा टैलिस वर्सेस म्यूनिसिपैलिटी बॉम्बे, क्या है ये केस, क्या था, क्या फैक्ट्स थे, क्या बात थी, क्यों? सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है।